हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज इस बहुत ही छोटे से वीडियो में दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहूंगा उस टॉपिक पर जो बेसिक एलिमेंट है लिटरेचर का। जब भी कोई राइटर, कोई पोएट, कोई कहानीकार, कोई कविता या गीत, गज़ल कुछ भी लिखता है, क्रिएट करता है, सही मायनों में वो गीत, वो कहानी सुनाना उसका कतई कभी भी एक उद्देश्य नहीं होता। एक्चुअली शुरुआत सिर्फ एक थॉट से होती है, एक विचार से होती है, जिसको वो डेवलप करके या तो गीत के माध्यम से या कविता के माध्यम से या कहानी या एक लेसन के माध्यम से हमारे सामने पेश करता है। करते हम ये हैं कि हम उस पाठ को तो याद कर लेते हैं, उस कविता को सुन लेते हैं, वाह वाह भी कर देते हैं, लेकिन जो हिडन मैसेज है, बेसिक कंटेंट है, एसेंस है, वो हम तक नहीं पहुंचता। मैं कोशिश करना चाहता हूं कि अब हर लेसन का, चाहे वो किसी क्लास का हो 9 to 12, एक वीडियो उस कंटेंट का, उस एसेंस का ज़रूर बनाऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें और शेयर ज़रूर करें। आज हम पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, क्लास 12th की पोएम है, स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है। मैं आपको सीधे इसके कंटेंट के बारे में बताना चाहूँगा। पोएट का इरादा किसी भी खास जगह की गरीबी दिखाने का नहीं, पोएट का इरादा उन गरीबों की कहानी सुनाकर आपकी सिंपैथी पाना भी नहीं, पोएट का इरादा सिर्फ इतना है ये कहने का कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल की दीवारों पर देश की, शहर की वैभव, संस्कृति या परंपरा के बारे में दर्शाया गया है, खूबसूरत दुनिया, आसमान, सूरज, चंदा, तारे दिखाए गए हैं, इन बातों से उन गरीब बच्चों का कोई भला होने वाला नहीं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम किसी से मीठी मीठी बातें करें, यकीनन उसे अच्छा तो लगेगा, लेकिन वो मिठास नहीं मिलेगी जो उसे मिठाई खिलाने पर मिलती। ऐसे ही अगर हम किसी को सिर्फ दिलासा दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम उसका साथ एक्चुअली ना दें तो। पोएट इस पोएम के ज़रिए हमसे यही कहना चाहता है कि इन बच्चों को जो भूखे हैं, बेजार हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, मायूस हैं, दुखी हैं, तन्हा हैं, एक एक रोटी के दाने को मोहताज हैं, इन्हें कोई वेद शास्त्र पुराण किताबें पढ़ाने से इनका भला होने वाला नहीं, क्योंकि भूख सिर्फ रोटी चाहती है और प्यास सिर्फ पानी चाहता है। एक बहुत पुरानी बात हमारे पिताजी कहा करते थे कि भूख न देखे रूखा भात और नींद न देखे टूटी खाट। तो जब तक हमारी बेसिक नेसेसिटीज, रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल जाती, तब तक हमें किसी भी शिक्षा का, किसी भी सुविधा का कोई लाभ नहीं, कोई फायदा। वो कहते हैं ना, कसम, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, और कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। तो दोस्तों, इस मैसेज को हम सब समझें, जब तक समाज के इस दबे कुचले गरीब सोसाइटी को, वर्ग को, इसकी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल जाएंगी, इन्हें कुछ भी पढ़ाने से, कुछ भी सिखाने से इनके समझ में नहीं आएगा। पेट रोटी की जुबान समझता है और प्यास पानी की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगले वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार।